सब लेजेंड गैंग और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं बेला के ट्रैक पर yes. जिसका नाम है हम्बल पॉइंट। और हाँ गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आप हम कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं जो कि सिर्फ रियल हिप हॉप को सपोर्ट करती है। यस yes. तो भाई पहला जब से सुना है तब से हम रिएक्शन कर ही रहे हैं, आपको पता अगर आप चैनल पे पुराने हैं, अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि हम बेला के गानों पे करते रहते हैं रिएक्शन। और रिसेंटली भाई बेला ने लाइव में कुछ बोल दिया था तो कृष्णा ने अनफॉलो कर दिया उसको। देखो चलता रहता है मतलब भाई चलता रहता है, ये बात भी सही है सच्ची में। तो लेट्स गो मैन, चेक करते हैं। पहला हमें पसंद आ गया था पहली बारी से ही, रोशन ने तो पहले सुन रखा था, मैंने अब सुनना चालू करा है हसल के टाइम पर। हाँ मैंने हसल में नहीं सुना था, उसके बाद सुनना चालू करा है, पर मेरे को भी पसंद आया, ऐसा नहीं है। तो लेट्स गो मैन, चेक करते हैं हम्बल पोएट देखते कितना हम्बल है अंदर कुछ भी हो सकता है भाई, आजकल गानों से नाम से जज नहीं कर सकते भाई गानों को। एल्बम आर्ट भी सिंपल है, अच्छा ओके। मैं गाने बनाता रहूंगा ठीक है, दोनों सेम है ओके एकदम सेम। पब्लिक मांगे गाने फिर मैं गाने देके विलन क्यों, वीडियो मांगे मुझसे बे मैं शायर हूं तो फिल्म क्यों, कवर आर्ट के पीछे दुनिया गाली देना सीखी है तू गाने सुनने बैठा है एग्जीबिशन। भाई पहली लाइन से उसने घुसेड़ दिया, भाई पहली लाइन से घुसेड़ दिया, मैं गाने देता हूं तो फिर भी मैं विलन क्यों, फिर लेकिन मैं विलन हूँ तो फिर मूवी क्यों, कुछ मतलब ऐसी राइम कराया। रुक जाओ गाने सुनने बैठो तो एल्बम आर्ट की क्या बात कर रहे हो तुम। पब्लिक मांगे गाने फिर मैं गाने देके विलन क्यों, वीडियो मांगे मुझसे बे मैं शायर हूँ तो फिल्म क्यों, कवर आर्ट के पीछे दुनिया गाली देना सीखी है शायर हूँ तो फिल्म क्यों बनाऊं। हां वही बात सी, ये तो एक तरीके से गाने दे रहा हूं जो मांग रहे हैं तुम, उस काम के लिए उसको टोंट मार रहे हो या बोल रहे हो कि बेकार है तो गाने मांग रहे हैं, मैं गाने देने के बाद भी विलन हूं और मैं शायर हूं तो तुम मुझसे फिल्म मांग रहे हो। जो मुझसे मांग रहे हो वो देने के बाद भी मैं बुरा हूँ और जो तुम नहीं मांग रहे वो तो मैं दे ही नहीं सकता तो तब भी बुरा हूँ, ऐसा सीन है। यही सीन है इसको, मेरे को तो यही लग रहा है। Let's go man, next. फिल्म क्यों, वीडियो मांगे मुझसे बे मैं शायर हूं तो फिल्म क्यों, कवर आर्ट के पीछे दुनिया गाली देना सीखी है तू गाने सुनने बैठा है एग्जीबिशन लगी है कि किस तरह रे फुद्दू है और बीफों में क्या बोला है, तुमने खुद के हाथों अपने डीएचएस को तोला है, म्यूजिक इंडस्ट्री में तुम बंदूक लाना चाहते हो गाने। ओ भाई एमसी स्टैन, इट्स अ शॉट टू एमसी स्टैन फ्लीट भाई, इंडिया में रखेगा ग्लॉक इन माय लैप। हाँ ये भी हो सकता है, बिल्कुल भाई वही है भाई लाइन, और कोई है ही नहीं ब्रो, यही है भाई, वो इसी पे जा रही है। या फिर बीफ की वजह से भी कह रहा हूँ, डिसवेस की तुम सच में लड़ना चाहते हो नहीं, वो तो है वो होगी, इंडिया में रखेंगे ग्लॉक इन माय लैप, वो लाइन पूरी जस्टिफाई कर रही है ब्रो इसको, वो तो पूरी जस्टिफाई कर रही है ब्रो, वो तो मेरे को लग रहा है भाई, पक्का लग रहा है ब्रो। और बीफों में क्या बोला है, तुमने खुद के हाथों अपने डीएचएस को तोला है, म्यूजिक इंडस्ट्री में तुम बंदूकें लाना चाहते हो, गाने चलाने के लिए पैसा क्यों लगाते हो, ये संदेवार के आर्टिस्ट पर ये सीखे उनसे कुछ नहीं, लड़ा अपने बच्चे को मैं भेजूंगा वो स्कूल नहीं, टीचर यहाँ के मारे और फिर फोर्स करते पढ़ने को, जब वो शादा बच्चे को वो फाड़दार बनने को, ये सिस्टम ऐसे ऐसे स्विच हो गया ब्रो गाना, मतलब उसके सीरियस स्टफ से नेचुरली जो लाइफ में चल रहा है वो सीरियस स्टफ पे स्विच हो गया भाई गाना, कि मतलब तो पढ़ा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे, स्कूल ही नहीं भेजूंगा उन्हें बच्चों को, कि वो मारते हैं और पढ़ाते नहीं है, और फिर जब पढ़ने की वो आती है तो वो पन्ने फाड़ रहा होता है कि मैंने तो कुछ पढ़ाई नहीं, पैसा क्यों अभी ऐसा नहीं है, संदेवार के आर्टिस्ट पर ये सीखे उनसे कुछ नहीं, लड़ा अपने बच्चे को मैं भेजूंगा वो स्कूल नहीं, टीचर यहाँ के मारे और फिर फोर्स करते पढ़ने को, जब वो शादा बच्चे को वो फाड़दार बनने को, ये सिस्टम करूं चेंज मुझे मौका देके देख, दिल तक ले जाऊंगा गाने और मैं बदल दूंगा देश, फिर तुम खुशी खुशी सीने में गोली दे देना, हम हंसते हंसते स्टेज पे ही हो जाऊंगा ढेर। ही इज रेडी टू डाई भाई, स्टेज पे गोली मार देना पर इंटरनेशनल हो जान दो एक बार, स्टेज पे ही हो जाऊंगा ढेर, सर पकड़ कर ये आवाज नहीं पसंद, मैं इंसान भी कर रहा मैं औलाद भी गलत, मुझे वैसे कभी पूछना नहीं क्या मेरा धर्म, हूँ मैं मिट्टी से बना धूल में हुआ खत्म, क्या ये करियर मेरा रोक देंगे पोस्ट बना के, मुझे चलना नहीं है डीएचएस में वोट लगा के, जब मैं जश्न करूंगा कि हाँ मैं जीत चुका हूँ, इन्हें खुद दारू दूंगा मगर दोस्त बना के, लिखूं गाने जैसे छीनू गम, होमी बोले बेला पी ले रम, दुखी होने का नहीं मेरा मन, जब तक मेरे आंसुओं से चलता रहे तेरा घर, मुझ पे हाथ मेरे रैपरों का खुदा ने रखा, मुझे रैप करने के लिए भी खुदा ने कहा, मां को फिकर होने लगी जब मैं घर न मुड़ा, बाप की दारू वाली आदतें कसूल से जुड़ा, कि अब ऐसा बनना नहीं भले घायल हो जाना, तुझे फूल समझे कोई तो तू फायर हो जाना। पुष्पा राज तो चल रहा है ब्रो आजकल, रेफरेंस तू जब फूल बोले तो तू फायर हो जाना, ओके ऐसा बनना नहीं भले घायल हो जाना, तुझे फूल समझे कोई तो तू फायर हो जाना, पहला पीछे रहना मगर सब
संभाल लेना तू, इन सब आगे वालों की तरह ना गायब हो जाना। मेरी बात सुन, मैं हेट देके कहां जाऊंगा, या फिर ऐसा कहूं हेट लेके बदल जाऊंगा। मुझे चीरते हो तुम बिना सोचे मेरा हाल, तेरे 1,00,000 व्यूज से क्या संभल जाऊंगा। परेशान नहीं हूं अब मैं किसी के लिए, मैं हैवान बन चुका हूं किस किस के लिए। जब मैं लाइव आके बोलूं कि आई रैप टिल आई डाई, कोई नहीं डाले यूट्यूब पे वो व्यूज के लिए। मेरी क्लास की वो टॉपर मुझे डीएम करती है, जिसे शायद कभी पता नहीं था ठीक से मेरा नाम। मेरी बंदी मुझे फील करना चाहती सुबह शाम, कहती बेबी आई एडमायर तेरा म्यूजिक तेरा पास। इन्हें पसंद आते लोग जिन्हें फर्क पड़ता नहीं, इफ आई डोंट लव माय फैंस कभी घर तक लाता नहीं। मेरे हर एक लाइन भाई की, वो जो टॉप वाली थी जिसको मेरा नाम भी नहीं पता था, वो मेरे को मैसेज कर रही है, और एक जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो कह रही है कि तेरा काम भी पसंद है और तेरा पास्ट भी पसंद है, पर उस वाली को पास्ट नहीं पसंद था, अब पसंद है, जो टॉपर थी। ओ भाई साहब, लाइन है, मजा आ गया। जिसे शायद कभी पता नहीं था ठीक से मेरा नाम। मेरी बंदी मुझे फील करना चाहती सुबह शाम, कहती बेबी आई एडमायर तेरा म्यूजिक तेरा पास। इन्हें पसंद आते लोग जिन्हें फर्क पड़ता नहीं, इफ आई डोंट लव माय फैंस कभी घर तक लाता नहीं। मेरे हर एक फैन के लिए अब मैं रोकूं मेरी कार, तेरे बाकी आर्टिस्ट की तरह शीशे चढ़ाता नहीं। क्योंकि चले मेरा घर इनकी तालियों से ब्रो, मुझे क्या ही पैसा देके ऊपर लाएगा बिलीव। मुझे रोक नहीं सका बाप जीने से संगीत, आई बिलीव 2024 में मैं हियरिंग मशीन। आएंगे मिलियन बिलियन गाने पे, पर अपने गाने प्रमोट करना चाहता हूँ बिलीव के थ्रू, तो बिलीव वाला रिप्लाई ही नहीं करा कुछ। हाँ, हो सकता है भाई, क्योंकि वो पूरी लाइन क्या मेरा क्या ही करेगा बिलीव करके कह रहा है कुछ ऐसा। अच्छा। कुछ लाइन मारी ना उसने। हाँ, तो नहीं, मेरे हर एक फैन के लिए अब मैं रोकूं मेरी कार, तेरे बाकी आर्टिस्ट की तरह शीशे चढ़ाता नहीं। क्योंकि चले मेरा घर इनकी तालियों से ब्रो, मुझे क्या ही पैसा देके ऊपर लाएगा बिलीव। मुझे रोक नहीं सका बाप जीने से संगीत, पैसा लेके कैसे ऊपर लाएगा बिलीव। वही भाई, दोनों बात है, वो भी है, वो तो है नॉर्मली, तो है वो बात अभी रिसेंटली। हाँ, तो है भाई, रिसेंट ही है। मुझे क्या ही पैसा देके ऊपर लाएगा बिलीव। मुझे रोक नहीं सका बाप जीने से संगीत, आई बिलीव 2024 में मैं हियरिंग मशीन। आएंगे मिलियन बिलियन गाने पे, पर लाइव में मैं वही। लाइफस्टाइल है अजीब पर मैं आर्टिस्ट बड़ा सही। जब मैं देने जाता पीस से नहीं हजम होता नहीं, इसीलिए इंडिया में रैप सफल होता नहीं। फैक्ट्स ब्रो, फैक्ट्स। मुझे कायदे ये दिखाए, मुझे फायदे ये, कितना पैसा है हिप हॉप में ये, पर लोग क्यों एक दूसरे को नोच रहे। मैं महफिलों में बैठता नहीं, जमता नहीं, कोई भी बोले फालतू पर इन दिनों में ऐठता नहीं। ऐ शौड़ी प्यार में तू मुझसे कभी पढ़ना नहीं, पहला इतना अच्छा आर्टिस्ट हो गया अच्छा बंदा नहीं। गलतियां किया पर नाम हमारे हैं। ओ करो मुझे जज तुम। भाई पहला के वोकल्स हैं क्या? पता नहीं, पहला वैसे गाता है भाई, बहुत प्यारे भाई, मतलब मजा आ गया ब्रो। किया पर नाम हमारे हैं। हो सकते हो, हैं तो बहुत अच्छे हैं भाई। इनको मैं क्या बोलूं, यहाँ सबने चाहे। टेस्ट तो आ रहा है बेला वाला भाई। भाई बेला की आवाज है। करो मुझे जज तुम, करते रहोगे जज तुम। हम्बल पोएट नाम जस्टिफाई कर रहा है इतने इजीली और इतने स्मूथली उसने, इतना मतलब सीरियस एंड माल पानी निकाल दिया उसने। मतलब एक तरीके से रैपर आपस में लड़ रहे हैं, ये वो बीप डेस और बिलीव वाला पहला का भाई, मतलब यही, मतलब मेन फेवरेट मेरा यही है कि मतलब ये हर चीज ना एकदम सिंपलिसिटी से कर देता है, बहुत प्यार से एकदम कर देगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई ऐसे ऐसे बोल दिया उसने, तो बहुत सही लगा भाई। मतलब मेरे को बेला में तो फेवरेट में, और पिछला गाना भी कौन सा था, वो एंटीडोट वाला था ना, वो भी यही वाइब्स पे था, वो भी वो चिल रह के उसने इतनी कॉम्प्लेक्स शिट कर दी थी, वो मेरे को बहुत सही लगता है बेला में, ये चीज तो मैं मानूंगा भाई, बहुत सही है। और वाइब तो देके जाता ही है साथ साथ, और एक यूनिक टेस्ट है, मतलब आप गाना सुनोगे अगर कोई मेलोडी भी हम करेगा ना बेला की, तो आप पहचान जाओगे कि उसकी तरह साउंड कर रहा है, मतलब एक है इसका जोन, मतलब ना वो बहुत सही है, जो होना चाहिए हर एक आर्टिस्ट में अपना ना। और भाई लेकिन भाई बंदा बहुत सही गाने निकालते ही रहता है भाई। हाँ। ये मैं देख रहा हूँ भाई, इसमें गाने निकाल रहा है, निकालते ही रह रहा है, मतलब शायद अकेले ही कर रहा है सारी चीज़। हाँ, इस बारी मिक्स भी बहुत बेटर हुआ है, कोई और बना रहा होता तो पोस्टर के सवाल भी नहीं उठते। हाँ। या फिर वीडियो या जो भी वो खुद ही मतलब कर रहा होगा इसलिए। हाँ शायद तभी वो उंगली कर रहा है। हाँ मतलब वही ऐसी नहीं, सही में पिछली बारी भी जो मिक्स विक्स का था इस बारी बहुत बेटर हो गया। हाँ। एंटीडोट में तो अच्छा था, उसके बाद हमने कोई सुना शायद, उसमें हमें थोड़े वोकल्स दबे लग रहे थे, जो EPI थी। हाँ, उसमें दबे थे ना, पहले गाने में अच्छे थे, दूसरे हाँ तौबा तौबा में अच्छे थे, और सब में थोड़े ऊपर नीचे थी,
हाँ तो लेट्स गो मैन, अगर आपने ईपी के नहीं देखे रिएक्शन तो आप वो भी देख सकते हैं। yes. तीन गानों के एंड के हमने एक बनाया है और तौबा तौबा और उसके अगले वाले का शायद हमने बनाया है ना। हाँ तो लेट्स गो मैन आप वो भी देख सकते हैं। भला के बहुत गाने हमने रिएक्ट कर रखे हैं, बहुत सारे देख सकते हैं, आगे भी हम करेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके लिए। तो लेट्स गो मैन, भला वाइब देके चलेगी आगे। इन भाई आप कुछ पता नहीं अगले हफ्ते एक और गाना ड्रॉप कर देगा भाई, ये बंदा भाई मतलब क्रिएटिव है भाई, मतलब मूड चलता रहता है इसका, जैसा मूड करेगा वैसा गाना बनाएगा, बेल देगा। तो लेट्स गो मैन, लेट्स गो। बाकी आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन वो बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।